ये वीडियो मैंने आज सुबह सोशल मीडिया पर देखा और इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये खेसारी लाल यादव की नई गाड़ी डिफेंडर है जो कि एक रोड दुर्घटना की शिकार हो गई है और इस वीडियो के साथ साथ कुछ ट्रक का भी फुटेज दिखाया जा रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी ट्रक से टकराई है। जी हां, और ये डिफेंडर गाड़ी जो कि ग्रीन कलर की है, जिसे कि हम आर्मी कलर भी कहते हैं, सेम इसी वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये भोजपुरी की हिट मशीन खेसारी लाल यादव की गाड़ी है और उन्हीं की गाड़ी सड़क पर दुर्घटना का शिकार हुई है। लेकिन सच ये नहीं है, सच इससे बिल्कुल अलग और छुपा हुआ है जो कि वीडियो में आपको नजर नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया, नंबर 1 प्लेटफॉर्म भोजपुरी सिनेमा का। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर बताया जा रहा है कि ये हिट मशीन खेसारी लाल यादव की नई डिफेंडर कार है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ के आसपास होती है, वो दुर्घटना का शिकार हो गई है। वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा है कि सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है। असल में ये कार खेसारी लाल यादव की है ही नहीं, ना ही खेसारी की कार किसी दुर्घटना की शिकार हुई है। ये वीडियो किसी और गाड़ी का है और चूंकि इसमें कोई नंबर प्लेट मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं ये साफ कह सकता हूं कि खेसारी लाल की गाड़ी जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। खेसारी लाल की जो गाड़ी है उसका नंबर प्लेट भी मैं आपको दिखाऊंगा और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी कार पूरी तरह से सुरक्षित है, हिट मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ये वीडियो देखने के बाद मैंने खेसारी लाल यादव की टीम से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया वीडियो फर्जी है, पूरी तरह से झूठा है, हिट मशीन को बदनाम करने के लिए, उनके फैंस को गुमराह करने के लिए, शायद थोड़े व्यूज बटोरने के लिए किसी ने ये छिछोरी हरकत की है। वैसे मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव इन दिनों मुंबई में है और वो अपनी फिल्मों की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी कार पूरी तरह से सुरक्षित है और ये वीडियो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, यानी कि झूठा है। किसी ने अपने व्यूज की भूख में ये वीडियो पोस्ट किया है। मैं मानता हूं कि ये गाड़ी खेसारी लाल यादव की कार से काफी मिलती जुलती है, लेकिन ये गाड़ी खेसारी लाल यादव की बिल्कुल नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए ये क्लियर करना चाहता हूं, साफ करना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव पूरी तरह से सुरक्षित है, उनकी कार के साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ है। और इसके साथ ही इस तरह के भ्रामक वीडियोस फैलाने वालों को एक सख्त वार्निंग देना चाहता हूं, आप लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने व्यूज की भूख के लिए किसी आर्टिस्ट के साथ इस तरह की हरकत करेंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसके फैंस के बीच किसी तरह की कोई गलतफहमी या झूठ पसारेंगे तो आप जरूर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।